हेलो फ्रेंड्स, कविता हियर फ्रॉम कुक एंड बेक विद कविता चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कबाब फ्रॉम लेफ्ट ओवर ब्रेड और श्रेडेड चिकन, और साथ में वेजिटेबल के साथ, और बच्चों के लिए तो बेस्ट स्नैक्स है। चले ट्राई करते हैं। चिकन कटलेट बनाने के लिए मैंने श्रेडेड चिकन लिया है, बॉयल पोटैटो, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और धनिया, और यहाँ मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के सोक करेंगे, देन स्वीज करके उसको ब्रेड को मिक्सिंग बाउल में रखेंगे। हाथ से ब्रेड को पाउडर करके रखेंगे। अभी हम डालेंगे एक चॉप किया हुआ प्याज, ग्रेटेड किया हुआ गाजर और एक शिमला मिर्च, और चॉप किया हुआ अदरक और ग्रीन चिली, और 2 ग्रेट किया हुआ बॉयल पोटैटो, और 1 कप श्रेडेड चिकन, और उसमें 1/2 कप चॉप किया हुआ धनिया। अब मसाला पाउडर मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, उसके साथ 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। साथ में स्वाद अनुसार नमक, इसके साथ मिलाएंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन करेंगे। मिक्सचर रेडी करके कटलेट को बनाएंगे। चले कटलेट बनाते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल लिया हाथ में, और कटलेट बनाने के लिए आपको कौन सा भी शेप चलता है, आपको कैसा पसंद है वैसा शेप बना दीजिए। द शेप ऑफ द कटलेट्स इज अप टू योर चॉइस, इज ओनली अ रीजन हाउ यू अट्रैक्ट द किड्स टू ईट द कटलेट्स। कटलेट्स तो रेडी हो गए हैं। चले चलते हैं इसको शैलो फ्राई करने के लिए। मीडियम हीट ऑयल में 1/1 कटलेट को फ्राई करेंगे टिल इट गिव्स अ गोल्डन ब्राउन कलर। कटलेट को फ्लिप करके दोनों साइड फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पे रहने दीजिए फ्लेम को। कटलेट्स आर रेडी टू सर्व। इट्स ऑलमोस्ट अ गोल्डन ब्राउन कलर। टोमेटो केचप के साथ कटलेट्स खा सकते हैं। टेस्टी है, यम्मी है और क्रंची भी है। आप ये रेसिपी ट्राई करिए और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में हाउ यू लाइक द रेसिपी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून विद नेक्स्ट रेसिपी। कुक एंड बेक विद कविता।